आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार, प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। पिछला समय में बात करी तो प्रदेश नंबर दू के राजधानी कतय हेतै आ प्रदेश के नाम की रहतै, एहि विषय में बहुत चल रहल छै। प्रस्ताव सब दर्ता भ चुकल छै, विशेष कऽ के तीन टा प्रस्ताव दर्ता भेल छै, तीन किस्म के नाम। राजधानी के विषय में ओते विवाद नहीं छै, राजधानी में अधिकतर के मत छै कि जनकपुर धाम हो के चाही, लेकिन नाम के विषय में मतभिन्नता देखल जा रहल छै। विशेष कऽ के मध्य प्रदेश, जानकी प्रदेश आ मिथिला भोजपुरा प्रदेश, ई तीन टा नाम प्रस्ताव कयल गेल छै तीन टा दल सँ। वास्तव में एहि पर बहस सेहो चलि रहल छै प्रदेश सभा में लगातार दू दिन सँ, एक दिन राजधानी पर, दोसर दिन नाम पर बहस चलि रहल छै। एहि विषय में आइ अपन टीम में सेहो बहस करय जा रहल छै, दू गोटे प्राध्यापक लोकनि के बजौने छियै कि वास्तव में प्रदेश के नाम की राखल जाए। आइ स्टूडियो में छथि परमेश्वर कापड़, ओ मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष सेहो छथि, ओ प्राध्यापक सेहो रहि चुकल छै मैथिली के। तहिना दोसर अतिथि छै नवल किशोर यादव, ओ प्राध्यापक छै आ समाजवादी प्राध्यापक संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष सेहो छथि। अपने दुनू गोटे के स्वागत छै कार्यक्रम। जी धन्यवाद अपने, हम सब श्रोता हमरा भरसा प्रणाम। परमेश्वर जी, अपने से शुरुआत करय चाहब। मिथिला राज्य संघर्ष समिति एकटा समय छलै, बहुत नाम सुनल जाइ छलै मिथिला राज्य संघर्ष समिति, बम कांड विशेष कऽ के जनकपुर में भेल रहे, ताहि के बाद एक किस्म चर्चिते भेलै, अहाँ सब आंदोलन केने रहिए, अखन वह नाम के विषय में चर्चा चल रहा है प्रदेश में, प्रदेश सभा में अखन चर्चा चल रहा है कि एकर नाम की रखा जाए प्रदेश के। तीन टा नाम जुड़ल गेल छै अखन, मधेश, जानकी, मिथिला भोजपुरा। वास्तव में की हेबाक चाही? देखल जाओ, नाम जे होइ छै ने से पहचान के चीज होइ छै और ई सगुनिया होबाक चाही। अपना सबके नामकरण संस्कार होइ छै और ओहि नाम सँ अपना सबके पतरा उठा के ई बात बुझल जाइ छै, चाहे एकदम एकेटा नाम से बुझाबै छै जे एकर संस्कार, एकर विचार, एकर अवस्थिति, एकर आदि इत्यादि छोटकड़ी में सटक संबोधित होइ छै। और अपना सबके नेपाल में संघीयता आयल है से ओहिना नहीं आयल है, संरचना विकास सहित प्रत्येक अति पहचान के, प्रत्येक धरती के जे एहि धरती से जुड़ल जे कला छै, साहित्य छै, संस्कृति छै, इतिहास छै, पुराण छै, लोक छै, लौकिकता छै, जातीय दर्शन, जीवन मूल्य आदि जे जतेक सम्पूर्णता छै ने, जाहिसँ पहचान बनल छै और धरती के पहचान होइ छै, तऽ तकरा संबोधित कऽ कऽ ई प्रदेश के संरचना भेलै। और हमरा सबके बात बुझल अछि जे पहचान एहि धरती के असल में आइ के नहि सनातनी छै और मिथिला सँ छै, मिथिला के ऐतिहासिकता छै, पौराणिकता छै, निजत्व छै, भाषा छै, कला छै, साहित्य छै, संस्कृति सब किछु छै। और अपना सबके जन जन में मैथिली लोक कला, लोक संस्कार, लोक व्यवहार, लोकाचार, ई सब सबके तऽ एकदम खूब फैलल छै, पैसल छै और रूपायित छै। तो पहचान के जखन खोजी नीति होइ छै जे आधार पर ई बनलै और ई जनकपुर धाम छै, तीर्थ सेहो छै, तऽ एकरा सबके अवगाहित शुभ शुभ के नीक ढंग सँ मिथिला राखल जाए, से मिथिला तऽ राखै चाही, नहीं राखब तऽ छुटि जाए, छुटि जाए। नवल जी, भंगठिया, अपने समाजवादी पार्टी के जे भातृ संगठन छै, समाजवादी प्राध्यापक संघ, तेकर केंद्रीय उपाध्यक्ष छियै, प्राध्यापक सेहो छियै, अपने दूटा भूमिका में छियै, एकटा प्राध्यापन छै, दोसर पार्टी से सेहो जुड़ल छै। जँ अपने के पार्टी के बात करी तऽ मधेश प्रदेश, राजपा आ समाजवादी सँ मधेश प्रदेश जुड़ाओल गेल छै, प्रस्ताव दर्ता कयल गेल छै, केहन छै प्रस्ताव? सबसे पहले तो हम अपन टीवी के और स्पेशली अपने के धन्यवाद दिए चाहे छी जे एहि पर अपने कुछ अपन विचार राखे के, अपन एकटा थॉट राखे के अवसर प्रदान कैल। अब हम अपने के कहे चाहब कि मधेश जे शब्द छै ना, निश्चित रूप से जे एकटा सर्टेन
एरिया में प्रदेश नंबर दू है वहे न होला के बावजूद भी मधेश के जे एक विगत के इतिहास है अपने के उ विशुद्ध रूप में ये कही रहा है कि जब एक नंबर प्रदेश में भी कुछ पार्ट हम चल गए पाँचों नंबर प्रदेश तीन नंबर प्रदेश कुछ कुछ भाग हमर लेलक अब अ मधेश के शब्द के और जे मधेश के लोग है तेकरा हम सब बिल्कुल रूप में विस्थापित केना कर दिए था अहम बात से दोसर बात ये कुछ जे आई परिकल्पना करे के मौका मिल रहा है ना हमरा सबके नामकरण या भी जे भी कुछ करे के मौका मिल रहा है ओकर अगर कुछ कारण से अपने के तो उसे मधेश आंदोलन हम कहेंगे थोड़ा सा वही अपने के जाए चाहे वही आंदोलन के नाम मिथिला आंदोलन न पड़ल है वही आंदोलन के नाम अपने के मधेश आंदोलन पड़ल है तो निश्चित रूप में हाँ अई बात से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अपने के कहलिए कि मिथिला शब्द जो है ऐसे हम सब मिथिला समाज में छी इस सब अपना पक्ष में छे मिथिले नाम हो के चाहिए आठ जिला के तो मिथिले पर हम सब जाए चाहे तो बहुत कुछ अपने के मिथिला के जो पहलका रूपरेखा छे एक एरिया छे से भी एक दायरा छे बहुत दूर तक छे तो हम अपने के ये कहब कि पार्टिये के ना अब राजपा और समाजवादी पार्टिये के ना खाली बसरते जतेक भी मधेश के लोग छे दोनों प्रदेश के हमरा ख्याल से मधेश शब्द जो मधेश प्रदेश छे अपने के वही पर किनको असंतुष्ट न होके जाए कापिर जी दायरा के बात एलिए एकटा कि मिथिला जखन होइ छे तो मिथिला वास्तव में अतबे भूगोल नहीं छे मिथिला के ओना अपने कहली पहचान के बाद संस्कृति बाद पौराणिकता के बाद इतिहास के बाद नहीं बहुत किसी के बात सब कला संस्कृति के बाद सब किसी नहीं बहुत किसी के बात अल तो से अपने के तर्क है लेकिन जखन दायरा के बात करे तो दायरा तो वास्तव में मिथिला के आठ जिला नहीं है मात्रे नहीं है आठे जिला मात्र तो नहीं है तेना मधेशों के बात करें तो ये आठ जिला मधेश मात्रे नहीं है तो एहन अवस्था में अपने जना कह रही मिथिला हुआ के चाहिए किया हुआ के चाहिए मिथिला देख लो ये मधेश के परिप्रेक्ष्य में हम अपने के मन पाड़ दी छे जे मधेश जिला में नहीं है मधेश आठेटा जिला में नहीं है सबसे बड़का बात से मधेश के माने मिथिला के मान आ स्वाभिमान के जहिया मिथिला के कली ऐतिहासिक काल से पौराणिक काल से ई संचरित होइत आयल छै जहियो राजनीतिक एकर नक्शा नहीं रहली भूगोल नहीं रहली मानचित्र नहीं रहली तैयो ई लोक मन में मिथिला बसा लेलकै बड्ड भारी बात है जे आत्मा में बसा कर जीव रहल छै एकरा कला साथे संगीत साथे संस्कृति साथे लोक अलौकिकता साथे जीवन दर्शन अमूल्य साथे जिए छै ई सोझे राजनीति नहीं करे छै जीवन दर्शन बना लेने से पद्धति बना लेने से मूल्य मान्यता बना लेने से उत्तई मधेश एक आंदोलन सब जन्मल आंदोलन में जन्मल और विगाइर सब विभेद सब खौझा के जन्मल आंदोलन कर एक तर्क इस है कि मधेश आंदोलन ने हम कहते हैं कि मधेश आंदोलन तो भेल है मधेश आंदोलन के परिणाम स्वरूप संहिता आई संहिता के परिणाम मधेश आंदोलन हम आहा सब मतलब ये साठ प्रदेश के स्वरूप देख लिए ते द्वारे अ स्वरूप के दूनर प्रदेश के मधेश राखल जाए हुनकर तरफ नहीं नहीं हम हिनकर तरफ से बुझलिए अपने कहलिए तो मधेश आंदोलन जे भेले ना तो मधेश आंदोलन में हिनकर सबके सम्मानित नेता उपेंद्र बाबू ई बात कहलखिन पहिलका आंदोलन में माने पहिलका संविधान सभा से दू मधेश प्रदेश देल रहे जी लेकिन ई लोकन से समग्र मधेश एक प्रदेश चाह पछाड़ी से समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश मंगत रह गए थे लड़त रह गए थे नहीं दे भेटलन नहीं लेलखिन वोटिंग कने रहथिन दू मधेश प्रदेश नहीं लेलखिन नहीं नहीं स्वीकारलखिन देने भेल रहे वोटिंग भेल रहे लेकिन नहीं स्वीकारलखिन संरचना नहीं भेटले दोसर संविधान सभा में से होइत हवाई तो सात खा छ खका से सात खका तक भेल जे प्रदेश के संरचना बनले तई में जे ई प्रदेश के संरचना भेले दू नंबर प्रदेश के तो तहु काल में ई सब लड़त रह गेलखिन कंकाल लोली भजत रहलखिन टाट जारत रहलखिन जिंदाबाद मुर्दाबाद ई कह के कहलखिन जे रो भाई अखनो मधेश प्रदेश माने नहीं दिलको ऐ लोग के मांग नहीं पूरा कलको सब किछ पूरा नहीं कलको एकदम सत्य है
एकर लेल लाखों अरबों करोड़ों के धन धन नष्ट भेलै, बहुत ही जान गेलै, महत्वपूर्ण लोग घायल भेलखिन, बहुत बात भेलै, लेकिन तैयार नहि मानलखिन, माने नहि मानलखिन। आ आइ भेल गेल पर हारने ई कहबै जे इहे मध्यस्थ प्रदेश, तहिया कहलिए नहि मध्यस्थ प्रदेश, तहिया संविधान जरेलिए, तहिया बात नहि मानलिए, तहिया अहाँ ई नहि कहलिए जे हमरा अतने टा के ठेठी कला दै छै। आइ कहबै तऽ राजनीतिक बेईमानी भेलै। अगर ई 8 जिला के मध्यस्थ कहल जाइ छै तऽ बाँकी के जिला, जरा अपने शुरू में कहबो केलिए कि वास्तव में मध्यस्थ कहि कऽ ई 8 टा भूगोल, 8 टा जिला के भूगोल मात्र नहि छै, एहिसँ बाहेक एहि तर सेहो छै मध्यस्थ नहि। तऽ पहिले तऽ एहि बाँकी के जे भूगोल सब छै ने, झापा हुए, मोरंग हुए, सुनसरी हुए, ताहिके बाद कंचनपुर कैलाली के बात भऽ सकैए, दांग के बात भऽ सकैए, नवलपरासी के बात भऽ सकैए, कपिल वस्तु के बात भऽ सकैए, रूपन्देही के बात सकैए। वास्तवमे ई भूगोल सबके तऽ नामकरण करऽ पड़लै ने पहिले, एकरा 8 जिला के मधेश नामकरण करऽसँ पहिले ओ बाँकी के जे भूगोल है तकरा नामकरण के करतै। वही हम अपनेके कहि रहल छी, अभी की छै अपनेके ई 7 गो प्रदेश हमरा अपनेके संविधान तहत तत्काल, हमसब 7 प्रदेशमे, नेपाल 7 प्रदेशमे विभाजित हो चुकल छै अपनेके। अइ हम निश्चित रूपमे अपनेके कहे चाहब, अइ 7 गो प्रदेशमे जहाँ तक मधेशके बात छै, मधेश कोनो नया चीज नहि छै, हम यही आबे चाहै छी अपनेके। मधेश तऽ बहुत पहिले भी रहै ना, मधेशके तब एगो इतिहास छै ना, विगतमे अपने जइयौ तऽ मतलब एकटा लम्बे इतिहास बोकि मधेश आयल छै, ओहिके ओहि ओर जायब तऽ अपनेके तऽ आइए मधेश न भेलै, रहि की गेलै। कुछ बात जे भेलै नामकरण के संबंध में जहाँ तक वाला बात छै अपनेके, कुछ जिला के बात अपने कहलिए कि पहले ओहि जिला सबके अपने एक मधेश बनाऊ तब मधेश की ओर जाउ। अभी तऽ अपने के की छै, हमसब जइए छी तै चीज के की होय के चाही, तै पर सोचे पड़तै तत्काल की होय के चाही। अगर मधेश होय के चाही तऽ किया होय के चाही, वही ना। अब रहि गेल कि मधेश होय के चाही तऽ किया होय के चाही, हम अपने के पहिलहु कहले छलियै, फिर पुनः आंदोलन के परिणाम स्वरूप उपलब्धि हासिल भेल छै, तेकरा बचाव पड़े। निश्चित रूप में अपने के मधेश आंदोलन एक बहुत बड़का चीज देखे गेल छे, बहुत बड़का चीज देखे गेल छे। हम पूछे छी एक मिनट सर, पहिलाउ छलिए ना मिथिला, पहिलाउ छलिए भोजपुरा, पहिलाउ छलिए जी, अपने कथि कहल कह दे जी। नहीं हम एटा ई कह छिए, एटा सब जे मात्र जका छै लबिया कि मधेश आंदोलन के परिणाम स्वरूप ई नहीं आले, मधेश आंदोलन होइत रहे परिणाम स्वरूप, मतलब 8 टा जिला के एकटा प्रदेश तक गठन भेलै ने, नै त ई ओइ मधेश आंदोलन के देन नै छै, ई दोसर संविधान सभा के देन छै, जे संविधान सभा के क्रम में ई लोकन संसद में आ सड़क पर लड़ैत रहला, लेकिन ई प्रदेश के संरचना विकास भ गेलै, लेकिन कुछ संघीय संरचना के विकास भ गेलै, लेकिन मधेश आंदोलन पूर्णता नहीं पैलकै, हमरा विचार से राजनीतिक रूप से निछा गेलै। तो वो रहबे नहीं कैलै, भेबे नहीं कैलै, पश्चिम में मधेसे नहीं, पूर्व में मधेसे नहीं, आ जखन हारने हर नाम आ मिथिले के मधेस रे, हम सब कथि मतलब अहाँ ई कहै छी कि ई तो ऑलरेडी अस्तित्व में छलै, मिथिला ऑलरेडी छलै, नहीं छलै, संविधान सभा संविधान से स्वीकृत विहित छै, एकर संवैधानिक सुनिश्चितता छै, एकर दोसर संविधान सभा देने छै और संविधान एकरा स्वीकृत कयने छै एहि प्रदेश के। ताहि दुआरे तऽ अहाँ के तऽ मधेश आंदोलन अखनतो के कहै छी जे हमरा संविधान संशोधन हुए कहते छथिन ई लोग। अच्छा मिथिला के परिभाषा अपने कह रहल छी, संविधान संशोधन हुए आ लेकिन कथी होते, संरचना विकास तो नहीं होते, समग्र मधेश एक प्रदेश नहीं होते। दोसर दिस की छै बेईमानी जका कखनो कतौ बिराज रहै छै राजनीतिक पुरुषोत्तम जका, कि आब रसे रसे मधेशवादी लोकनि हटैत होइत मधेश के मुद्दा के छोड़ैत, पार्टी समेत से मधेश के नाम मिटबैत, डिलीट करैत, नया नया नाम धरै छै, अपने अपने राजापा हुए आचार्य तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम हुए, मधेश सब तो सब छोड़ दिलकै, नाम में जोड़ छोड़ दिलकै। तो आब ई अखन मधेश ओते महत्व किया, ओते स्नेह किया जाग रहल है कि एहि प्रदेश के नाम महत्व मधेश राखल जाए, जब छोड़े देने छे पार्टी के नाम से मधेश हटा डिलीट कह दिलिए, सत्ते से डिलीट कर दिलिए ने, चाहे राजापा हुए चाहे फोरम हुए ने, सत्ते से मधेश सब तो डिलीट कह दिलकै, जब सत्ते डिलीट कहिए दिलिए तो आब अखन प्रदेश के नाम मधेश पर एहन स्नेह किया जाग रहल छै कि प्रदेश के नाम मधेश राखल। उहे अपने के कह रहल छी, उ अपने डिलीट वाला बात जे आले ना जी, की छै एक्चुअली कि अपने के मधेसी जनाधिकार फोरम
उहे एकटा होय छै ने वॉल्यूम में ओहि में से अपन मधेसी शब्द हटा दितै त एकटा डिलीट वाला बात अबै छलै जे मधेसी जन अधिकार फोरम जे विगत के छलै अपने के ओकर वॉल्यूम और आइ के डेट के जे समाजवादी छै अपने के समाजवादी पार्टी हमरा सब के छै ओकर वॉल्यूम निश्चित रूप में एक पार्टी के आकार के बात अपने कह रहल छै एकदम बिल्कुल पार्टी के आकार बृहत भेलै जे तै दुआरे ओहमे दुटा के गठबंधन भेलै यार गठबंधन भेलै हमरा सब के बड़ा हटाव पड़ले से कह रहल मतलब की छै म्यूचुअल कुछ चीज होय छै अपने के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जाय छै कि नहीं अपने के सर एक ही मिनट हम अपने की कहे चाहै छी कि मधेसी जन अधिकार फोरम विगत में रहै ओकरा बाद अपने के हमरा सब के मतलब अशोक राय सब जी सब जोरे जे होय छै ने अपने के एक दोसर के जोरे जब पार्टी के कारण भेलै संघीय समाजवादी बनले आइ अपने के डॉक्टर बाबूराम भट्टाचार्य और अपने के है ना समाज तो आई के डेट में समाजवादी पार्टी भेल छे अपने तो हम ही कहे चाहे कि हम सब मधेसी जन अधिकार फोरम के स्टेटस में रह के तो मधे शब्द डिलीट ना कैले छी ना हम सब आई के डेट में आई पार्टी के जे अपने के संगठन से उ सतहत्तरो जिला में हो चुकल छे जे अखन ब्रेक ला रहल छी 10 मिनट अखन ब्रेक ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जाय रहत ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में आई स्टूडियो में छथि मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष परमेश्वर कापड़ तहिना समाजवादी प्राध्यापक संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष नवल किशोर यादव दुनू गोटे के फिर से स्वागत है कार्यक्रम जे कापड़ जी विशेष कर तीन टा नाम प्रस्ताव भेल छै नहीं पहले इनका कह दिए इनका बात मधेश जी हाँ कहल जाए इनका जे कह भेलन हां जे हम वॉल्यूम के बात आ भल हां वॉल्यूम के बात पार्टी बृहत बनले के द्वारे मधे सब हटा दे तो बृहत बनले से कथि एकर पृष्ठभूमि एकर संस्कार में देखल जते जे मधेश पना नहीं रह गेले हमर उपेंद्र बाबू कह छथिन जा हमर मधेश नहीं कहू मधेश कोनो बात नहीं छै मधेश मुद्दा छै आई मधेश से आह नहीं पुरलन है राजनीतिक माने आब अथी बेसी उम्मीद नहीं रहलन है तो आब नया परिप्रेक्ष्य में बेसी से बेसी हम आबी सर्वाइव करी तैला दोसर पार्टी के अथी कर ले था और फिर एक मिलैली था आ मिलबा जा रहल छथि और वही में देखबे जे नया जे पार्टी के जे नामकरण भेली चाहे अथी नया पुनः नाम अथी भेली है स्वीकृत भेली है तैमे एकर जे माइंडेड छै मूल जे निर्देशन समिति छै तैमे मधेशिता नहीं छै राष्ट्रवादिता छै लोकतांत्रिक प्रजातंत्र राष्ट्रवादिता के नाम से संबोधित भेलै मधेशवादिता के हिसाब से तो एक दिशन मधेश से अपने पिंड छुटबै छी दोसर दिशन तो एक मिनट मधेश चाहै छै हां थोपै छै चाहै नै नवल जी थोपै छै शब्द दुटा जे आले मधेशवादिता और राष्ट्रवादिता राष्ट्रवादिता हां की छै अपने स्वरूप स्वरूप तो वहां देखा की छै की ना ना हम ई आबे चाहै छी हम थोड़ा सा वही वर्ड के हम क्लियर करै चाहै छी अपने के अब हमर थोड़ा सा मैथमेटिक्स रिलेशन होला के चलते की होय छै सेट के सबसेट होय छै अपने के ठीक छै नेशनलिटी तो फर्स्ट चीज है ना ओय के भीतर में ना अपने के ई लिंबुवान त ई कोन खुंबुवान अपने के मधेश ई सब जे जे चीज छै हम सब ओय के भीतर में छै ना त स्वाभाविक रूप में राष्ट्रीयता त पहले राखे पड़त हमरा विश्व के कोनो भी कंट्री में अपने देखल जाओ ना कोनो भी कंट्री अगर फेडरलिज्म में गेल है त की नेशनलिटी के अपने के भय त ना कछु है ना नेशनलिटी के अडॉप्ट करके आगे बढ़े पड़ते हैं मधेश शब्द रखले पर नेशनलिटी से दूर भाग गए बात नहीं है मधेश शब्द मधेश रखले में की होती है मधेश शब्द कहाँ नहीं है हम ही कहे वह तो पार्टी में तो नहीं है मधेश देख लो मधेश शब्द पार्टी के नाम में अपने शायद हमरा खोज अपने पार्टी के नाम में हो की जाए छे अपने के उनका तर्क दोसर छलिए उनकर छली कि भीतर इनकर जे एगो दस्तावेज सब छै अगर तै सब में ई सब न होय से तै कि हम जवाब में न है से बिल्कुल अपने ओ या एक बार कन्विंस हो जाला सर नहीं वो तो कहिए रहल छै समाजवादी पार्टी मधेश के नित पार्टी नहीं छै ई त राष्ट्रीय पार्टी छै से तहीं सब पार्टी के नेता सी बात कहै छै राष्ट्रीय पार्टी छै एमे मधेसी मात्र बात नै से कह रहल छै मतलब ई छै अपने के जेना रह गेल कि हम नाम के बात थोड़ा सा अपने के हम क्लियर करी की है पुनः जाय चाहै छी नाम की होय छै स्पष्ट रूप में जब पार्टी काल खन में रहे मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल तो काल के स्टेटस और आई के स्टेटस जो है एक कभी कहे नेशनल लेवल पर निश्चित रूप में फर्क देखल जा रहा है सर एक और बात कहल थी ना कि जे कनी रोके छी अपने के एकटा मिथिला जे एकटा नाम जे आयल छै कांग्रेस से जे नाम जुड़ल गेल छै तो कभी तो कोनो पार्टी से मिथिला के मात्रे नाम नहीं जुड़ल गेल छै मिथिला भोजपुरा के जुड़ल गेल छै
तो अपने जे तर्क के मिथिला राखल जाए जे नाम तो पार्टी आखिर तो इह सब जे सांसद सब से वह करते प्रदेश सभा एकर निर्णय लेते ने प्रदेश के नाम की होते स्वाभाविक छे तो एक बात अपने तो मिथिला कह रहल छे लेकिन मिथिला कह के कोनो पार्टी नाम नहीं जुड़ोने छे मिथिला भोजपुरा कह मिथिला भोजपुरा पर अपने काल कल के मिथिला आइ कहल के मिथिला भोजपुरा मिथिला नहीं कहल के से नहीं है हम ई कह रहल छी कि मिथिला भोजपुरा अगर ए प्रदेश के नाम होते त ए तीनटा में से एकटा हेते ने मधेसे हेते कि त जानकीय हेते कि मिथिला भोजपुरा हेते त मिथिला भोजपुरा जे नाम छै अपने त मिथिला पर त कह रहल छी मिथिला होवे के चाही जे संभव नहीं छै कलाके उ त नाम नै देल गेल छै नै उ त दर्ते नै करल गेल छै त आब त रहले मिथिला भोजपुरा जे सबसे लग में छै ओइसे सामीप्यता बड़ी बेसी ओकर देखल जाइ छै त मिथिला भोजपुरा में की छै अपने के स्टैंड हमर कथन ई है जे अइ प्रदेश में दु किछ भाषा भाषी किछ संस्कृति सबके पास छै अवस्थिति छै तो संघीयता जे आयल छै ने से सबके लेल आयल छै एकेटा फल नै मिथिले के लेल आयल छै नै भोजपुरो के लेल आयल छै सब किछ के लेल आयल छै दोसरो के आयल छै एकटा होइ छै तऽ सबके लेल संघीयता आयल छै आओर जै कि ई लोक चाहै छै उदारतापूर्वक ठकठेना नहि हुए पछाड़ी ओट नहि लागे द्वन्द्व सृजना नहि हुए ताहि लऽ कनिका कांग्रेस की भऽ गेलखिन हँ से लड़म भऽ गेलखिन हँ अच्छा कहलकै अच्छा हो मिथिला भोजपुरे नाम भऽ गेलै आओर जानकी प्रदेश छै नाम चाहे मिथिला प्रदेश चाहे भोजपुरा तऽ देखियौ जानकी पर फिर हम कहब मिथिला भोजपुरा पर कहब पर्यायवाची है ना मिथिला भोजपुरा जनकपुर विदेह ई सब तऽ एक पर अथी के नाम है मिथिला भोजपुरा रहत तऽ चलते मिथिला भोजपुरा विदेह जनक प्रदेश कथु बजत कोना एहि मे जानकी पर की छै अपने जानकी और बढ़िया है मिथिला से जानकी अलग नै छै कि मिथिला मैथिली छै मैथिलिए से जानकी छथिन मैथिलिए से मिथिला कला है मिथिला संस्कृति मिथिला मिथिला मने मिथिला सीता है सब किछु मतलब मिथिला भोजपुरा रहो या मिथिला रहो या जानकी रहो कतो रहो सब एके बात भेलै ने सब एक नहीं मधेश नहीं हुआ के छै नै मधेश जे अब हमर कल नै हो छै से नै कहियो जखन ई लोक कहिन बाबू साहब लोक कहिन जे मधेश नै रखलखिन ह मधेश से ऊपर राष्ट्रीयता भ गेलखिन आइ मधे आइ नेकपा खैला बहुत दूते है लै लिया जे कल के तो सब राष्ट्रवादी नै छै तो सब राष्ट्र तिया तोरा सब राष्ट्रीयता नै छौ तै दुआरे ई सब ग्रहण करके अच्छा हम अपना बिता कर आइ कम्युनिस्ट सब जे जीतलखिन ह दूते है से बड़का बड़का काज कऽ लेलखिन नै राष्ट्रीयता पर संदेह करा कऽ राष्ट्रीय बड़ विभेदी लोकनि छथुन खाली मधे से बात करै छथुन अपने राज्य में अपने एहि प्रदेश के उपनिवेश कायम करऽ चाहै छथिन से भाषिक सांस्कृतिक राजनैतिक तै दुआरे उ सब कहलखिन जे नै रो हिनका सबके राष्ट्रीयता पर संकट हो देख ले देश पर संकट हो इहे कारण छै जे छोटा प्रदेश में जीत गेलै दू तिहाई लऽ अयलै कि हिनके सब के चलते औ कहै छै जे विभेद के बात करै छै विभेद के बात कर लागत आधे मिनट कि छठी कते लगत अपने के ई सब कहै छथि हम मधेसी छी हम सब 49% लक 51% छी बड़ी शान के बात कहै छी खूब ठीक बात कहै छी बढ़िया बात तो कह लेलिए आ वो ये सब फिर आ उमर देखावक ले पहचान हमरा अहां के पहचान के बात रखने होय छै हमरा सब पहचान की छै मिथिला मैथिल पहचान छै या मधेसी पहचान छै जखन हम अहां पहचान नै कतौ बाहर जाय छी त अपना के कथि कहै छै हम होय छै पहचान के लेल से एकटा धोती कुर्ता नै होय छै भाषा कला साहित्य संस्कृति उपन्यास अथी कछे कथी माने इतिहास पुराण सब किछ चाही 12 पर्सा के आदमी छ लोकता चाही सब किछ मिला क धरती के संवेग के संपूर्णता जे फलित भ जाय छै तब पहचान बनै छै और मधेश जे छै से पहिले कहलिए जे मुद्दा छै मधेश असल में मुद्दा छै विभेद जन्मल छै पहचान नै छै से कहै छै अहाँ मधेश के खास पहचान है मुद्दा जते दमगर छै पहचान ओते कमजोर छै चाहे मैथिल होय या भोजपुरा रहे चाहे मैथिल के हमरा कहब जे ओ सब अपना के त मधेसिये के चिन्हाबै छै नै गलती बात कखनो आ के काल खनि मधेसवादी लोकन छला त मलोपा पार्टी छै काल हम आ काठमांडू जाय छी या काठमांडू के लोक ओ बात नै भेल उत्तर के नै भेल जे उत्तर के नै भेल काल खनि आ के आंदोलनी मधेस अथी कथि के थरवट वाला सब कहल नै हम मधेसी निजम थारू छी हम सब दिन आंदोलन करै छी सब दिन कहने छी जे हम मधेसी नै छी हम मैथिल छी
हमरा सबके कखनो ई सब अपना में से निकलले था नहीं गाना गुदान थारू वाला सब नहीं थरवट के जे पत्थर से वो सब कहे छे अपना के हम मधेसी नै छे ने वो सब अपना सब कहे छे मधेसी लेकिन हम हा जखन बाहर कतो जाय छे त अपना के त मधेसी के कने परिभाषित हमरा गैर कतो हमरा ओ लोग त मधेसी के कर छिन छे नै वो गजत मधेसी माने फरक नै जी मतलब मधेसिया आदमी नहीं मधेसी एहन किसी के विभेद के बाद अलग भेले लेकिन एक पहचान के बात कहे छे बिल्कुल पहचान के बात अपने कहल गेली ना हम सुनलिए सर के पहचान तो मधेसिया के पहचान है ना अपने कहीं भी जाओ इत नेपाली के बात अपने करी छी मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वो हुआ अपने के नेपाल में मधेश है जैया नियर अबाउट अपने के 51% लोग जैसे मूल के लोग बासी से अपने के ई एक रिकॉग्निशन से इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल के तो अपने बात की नेपाल में तो मैथिल हम छी हम भोजपुरा छी हमरा ना बुझाइए कि एहन किस्म के कहीं पहचान बनल होते हम अवधि छी एक किस्म के पहचान कहाँ तराइन सहित इंडियन के संबोधित करे छे इंडियन के अलग नहीं करे छे कहले ओकरा लग अपना मधेसी से बेसी इंडियन लोग होते ओकरा सब मिला के कहे छे ओ त रूप देख के कहे छे ओ त रूप देख के माने हम मधेसी के कहे से ना अपने के उ वर्ग के एकटा समुदाय के एकटा समाज के कहे छे ओ त अपने के अपीयरेंस जे छै ना लुक जे छै अब ई जे मधेस राखे के बात जे पड़ल छै ना आठ जिला के मधेस राखी से अहाँ सबके तर्क छै प्रस्ताव पेश केने छियै पहिलो हम कने रहै कि बाकी के की कहबै बाकी के जे मधेसी सब छै तो वो सब अपन पहचान मधेसी के चिन्हावे कि नहीं चिन्हावे आइ कपिल वस्तु के लोग अगर कतो जाय छै तो ओकरा मधेसिये कहते भले वो दुनर प्रदेश के नहीं एकदम सही बात मधेसिये कहते ता वे जे की तो ओकरा सब पहचान आ छिन रहल छिए की तो ओकरा सब पहचान छिन रहल छै प्रदेश नंबर के प्रदेश दू के मधेस नाम राय क की तो ओकरा हुनका सब पहचान दोसर बनाव पड़ले ने जे संभवो नहीं छै की कहबै हम ओहे तो कह रहल छै हम अपने के की छै हम पहिलो अपने के रखले छलिए कि मधेस जे ऑक्युपाई कैले है ना जे लैंड अपने के है ना पूरब से लेके पश्चिम तक ला वही में ये आठे को जिला पड़े सो बात ना है लेकिन सही बात नहीं छे लेकिन ओकरा लिपिबद्ध कर जा रहल छी मधेस नाम रे हम सब लिपिबद्ध कर रहल छी जी हमसे अपने लिपिबद्ध कर जा रहल छी कि मधेस आठे जिला हो ई त लिपिबद्ध भ जेते ने मधेस आठो जिला हो आठे जिला मात्र ऐसे कर रहल छी अपने के अब आठे जिला में नहीं छे अखन त मधेस मेची सलक महाकाली धर छे लेकिन आब अहां सब नामकरण हेते नामकरण कर जा रहल छी कि मधेसी आठे जिला छौ कपिल वस्तु वाला तू सब अपना के मधेसी नहीं कह रूपंदेही वाला तू सब अपना के मधेसी नहीं कह से कह जा रहल छी अहां सब अई प्रदेश के आठ जिला के मधेस नामकरण होइते अपने के कपिल वस्तु मधेस ना रह जाते झापा बकरे अभी सुनसरी अपने के मोरंग मधेस न रहे ना मधेस ये रहते अभी तक तो मधेस ये प्रदेश सर सर अभी तक हाँ मधेस ये प्रदेश रहते मधेस प्रदेश ही रहते अब अपने के काल खन में तो जते के मधेस में लोग रह रहे से तो अपने के अभी तक हम सब स्ट्रगल में नहीं छी ना खाली नामे के स्ट्रगल में नहीं छी एकरा इहो एंगल से देखल जाय छै कि कतो ने कतो मधेस के निदल सब सपा हुए या राजपा हुए उ सब आब कतो ने कतो मनस्थिति बना गेल कै कि आब हम सब हार गेली आब कतबो लड़बै कतबो संघर्ष करबै त जे मधेस कहै छलिए दुटा प्रदेश से संभव नै छै त कम से कम त अतबो में त अपना इज्जत बचा लू अपनो में त अपना अति अस्तित्व राख लू नै त मधेस के त नामो निशान मिल जेतै अच्छा सुन ले अपने मतलब कतो ने कतो ई डर छै कि आब हम मधेस जे मधेस हम सब परिकल्पना के यथार्थ छै अई बात से बिल्कुल हम सहमत न छी अई सेंस में अपने के फेर अपने सुन ले होबै कि आई के डेट में भी जो राज्य पुनर्संरचना आयोग के प्रतिवेदन वगैरह सब इस सब जो है ना 11 प्रदेश के इस सब बात सब है वो सब अपने के वो समाप्त हो चुका है ये सब कोनो भी बात नहीं है अपने निश्चित रूप में मनस्थिति कहीं भी हारल ना है मनस्थिति काल से भी बुलंद होके आए है अपने के और बुलंद रहते तो संघर्ष के विभिन्न तौर तरीका हो जाए जे विभिन्न तौर तरीका में अपने के हमारे सबके पार्टी चल रहा है चाहे वो अभी प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो तो हम अपने के फिर वही आबे चाहे कि आठों जिला के नाम मधेस रख दिला से
जे मधेश के एक्चुअल लैंड छे से आइ से बिसाइड्स हो जाते इसे बाहर आ अंत अंदर चले जाते एक और प्रस्ताव जे छे जानकी पर की छे आके दृष्टिकोण न की देखो हम ई कहे चाहे छी जानकी जे है ना एकटा पार्टी जे जे जाने छी हम अपने एकटा पार्टिकुलर व्यक्ति के नाम है अरे बाप रे ठीक छे एकटा हम है सेंस में ही न कहे चाहे छी अइ के एकटा एगो अइ के जे इतिहास छै जनकपुर के खास करके वीरगंज के इतिहास तो कुछ और से अपने अन्य जगह के इतिहास कुछ और से अपने तो अइ जानकी प्रदेश राख देला से अपने के तेकरा बाद की एकटा उ वीरगंज के की भोजपुर के तीन जिला छै ना अपने के हमरा जोर हमरा यहाँ जोर भोजपुर के तीन जिला छै रोहतक 12 पर्सा छै अपने के जानकी तो मिथिला भोजपुर सबके समेटे छै ने मिथिला भोजपुर के एज अ जे हिंदू धर्मावलंबी छै सबके लागी जानकी जनप्रिय छै ने जानकी उहे ना हिंदू धर्मावलंबी जी धर्मावलंबी जते छै अपने के ओकरा सबके लागी रामू तो प्रिय है ना कि ना जे नहीं एकटा की कहब अंत अंत में चले छोटो कह जे अपना सबके नामकरण करै छै ने तो पहले कहलिए जे शुभ शुभ कर रखै छै आ एहन नाम छै जे सुनै में मीठ लागे आत्मा के शांति दिए चेतना के कनका सुस्थिर करे मन के मन मखे तेहन नाम तो स्वाभाविक है और जानकी किसी में नाम रखा जाए आ जानकी जी जे छथिन जगन माता छथिन कोनो मुद्दा नहीं छथिन कोनो विषय नहीं छथिन ऐतिहासिक छथिन पौराणिक छथिन सबके हृदय में बसन धर्ममय में छथिन कर्ममय छथिन मिथिले सब किछ छथिन तो एहन में हमरा सब के धर्म बनी है जे जे नया प्रदेश बन लिया तेकरा नाम में ठकठेना नहीं को कर नाम संविधान न है नाम राजनीतिक मुद्दा न है नाम एक एहन चीज है जैसे संबोधन होते और एक शुभ शुभ के निक लागे सुंदर लागे मतलब जानकी होए मिथिला भोजपुरा हां जे किछ होए एकरा सब के पहचान है इतिहास है पुराण है स्वीकृति है आ ई सब जानकी माता के नाम से और भी चीज हो ना हमसे होय रहते ना है ना जानकी माता के नाम से हम सब हिंदू के लोग ये नाम मैथिली छे आ मैथिली भाषा है मैथिली कला है मैथिली संगीत है मैथिली लोक जीवन है मैथिली लोक दर्शन है मैथिली लोक कला है सब कुछ मैथिली से है मैथिली से जनकपुर से तो सब कुछ मिथिला में है मैथिली में है जानकी में है विदेही में है जनक में है ते द्वारा ओइ सब में से राखू जे बड़ शुभ रहत बड़ पवित्र रहत आत्मा के शांति दे जी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों गोटे के अपना सब करे के प्रणाम दर्शक में दो छलेत परमेश्वर कापेट मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष तैना दोसर अतिथि छलेत नवल किशोर यादव समाजवादी प्राध्यापक संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष आई दुनू गोटे प्राध्यापक लोकन से ई बात बुझ खोजलिए कि वास्तव में ए प्रदेश के नाम की राखल छे विशेष करके दूटा नाम तीनटा नाम आबि रहल छे मिथिला जानकी आ मिथिला भोजपुरा मधेश जानकी आ मिथिला भोजपुरा ये तीन टा नाम आबि रहल छै वास्तव में बहस चलि रहल छै ई बाद में एकर रिजल्ट एबे करत कि वास्तव में प्रदेश के नाम की हेतै बेस्त आइ के लेल कार्यक्रम अहि से सम्पन्न करै छी नमस्कार।